हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट मंत्रा बाय कामना। आज हमारे साथ है मुंबई की फेमस डाइटिशियन धनश्री खेडेकर काले। ये क्लिनिकल एंड रिसर्च डाइटिशियन है। इनका स्पेशलाइजेशन है कीटोजेनिक थेरेपीज में, और ये थेरेपीज यूज होती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि एपिलेप्सी एक्सेट्रा को क्योर करने में। ये न्यूट्रीजिनोमिक्स काउंसलर भी है, और साथ ही ये लगभग एक डिकेड से भी ऊपर, यानी लगभग 10 वर्ष से भी ऊपर इस फील्ड में काम कर रही हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज ऑफ डाइटेटिक्स एक्सप्लोर किए हैं, और उन्होंने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में भी काम किया है एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन, और साथ में कॉर्पोरेट डाइटिशियन भी रह चुकी हैं। तो आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं कीटोजेनिक डाइट के बारे में, क्योंकि आजकल ये डाइट बहुत ज्यादा चर्चित है, और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कीटोजेनिक डाइट किन पेशेंट्स को दी जाती है और क्या ये वेट लॉस के लिए अच्छी है या नहीं, और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले नमस्ते धनश्री, नमस्ते कामना। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल कैसे ठीक हैं? हूँ, और आप? थैंक यू, ओके, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। ओह माय प्लेजर। तो धनश्री, कीटोजेनिक डाइट जैसा कि मैं अभी भी कह रही थी कि बहुत ज्यादा चर्चित डाइट है, पर हम सबसे पहले अपने इंटरव्यू की शुरुआत सबसे कॉमन क्वेश्चन से करेंगे कि कीटोजेनिक डाइट एग्जैक्टली है क्या। लोग तो इसको कीटो डाइट कहते हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इज कीटोजेनिक डाइट? करेक्ट। तो अभी कीटोजेनिक डाइट जो है कामना, अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है ना के केवल यू नो वो कॉमन पीपल है, तो उनको मैं उन सब शब्दों में बताना चाहूंगी। जैसे कीटोजेनिक डाइट, यू नो नाम से आपको पता चलेगा उसमें है कीटोन, राइट? तो अभी ये जो कीटोन जो है ना कामना, ये बेसिकली जैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज, एक आपको पता होगा, आप एडवर्टाइज में भी देखते हैं कि यू नो आप एक पर्टिकुलर ड्रिंक ले लो, उससे ग्लूकोज की एनर्जी शक्ति मिलती है, बराबर? तो वो हमारा, अगर हम देखें तो ग्लूकोज कहाँ से आता है कामना, जो हम लोग चीजें खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है वो आपका चावल, दाल, सब्जी, ये सारा है, करेक्ट? अभी इससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, और उससे हमें मिलता है ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी कीटोजेनिक डाइट में क्या हो रहा है, हम लोग ये कार्बोहाइड्रेट कम लेवल में देते हैं, बराबर? सो वी कॉल्ड इट एज लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, और हम फैट जो है वो ज्यादा प्रमाण में देंगे, तो हम लोग बोलते हैं हाई फैट डाइट। तो जो हमारा फैट है ना, उससे जो एनर्जी आती है शरीर को, वो होती है कीटोन से, इसीलिए इस डाइट का नाम है कीटोजेनिक, मतलब कीटोन फॉर्मेशन, कीटोन को आपको उस प्रमाण में निर्माण करना है शरीर में जो आपको शक्ति दे। तो हम लोग यही करते हैं कि जो हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में जो ग्लूकोज है वो नहीं होगा, उसके जगह पे हम कीटोन्स का इस्तेमाल करेंगे हमारे फैट सोर्स से, करेक्ट? और जो प्रोटीन है ना हमारे डाइट में, वो बराबर जो शरीर को उपयोग है, हम लोग बोलते हैं एज पर बॉडीज रिक्वायरमेंट, हाँ, उसके अकॉर्डिंगली जो क्लिनिकली हमें बताया गया कि इतना एक शरीर को, इतना हर एज ग्रुप के हिसाब से, तो हम जैसे एडल्ट है उनको हम कितना देंगे, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये है कीटोजेनिक डाइट। ओके, सो यू मीन कि इस डाइट में बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड होता है, राइट? बराबर बराबर। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल ये इतना हाइप में क्यों है, ये डाइट इतना चर्चित क्यों है, क्या रीजन है इसका? अभी क्या है, ये डाइट काफी ज्यादा अभी यूज हो रहा है वेट लॉस में कामना, ओके? और यस, इसमें रिसर्चेस भी है कि वेट लॉस में ये काम किया जाता है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कीटोजेनिक डाइट किसके लिए इस्तेमाल होता है, ओके? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी था। यस यस, करेक्ट। तो ये जो है ना, पहले ये जो डाइट है वो सबसे पहले आपको पता लगना चाहिए कि ये थेरोपेटिक डाइट है, मतलब ये हम एपिलेप्सी के लिए पहले जाना जाता है, और हम पहले उसको एपिलेप्सी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एपिलेप्सी माने क्या, जो फिट्स आते हैं, आपको पता है मिर्की भी कहते हैं हिंदी में, तो ये उसके में फिट्स आते हैं, तो ये डाइट उसके लिए बनाया गया। अभी जो यू नो रिसेंट रिसर्चेस है वो बताते हैं कि वेट लॉस के लिए भी इसका काफी ज्यादा उपयोग है, बराबर? पर ये जो डाइट है वो सही प्रमाण से इस्तेमाल करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा।
क्योंकि ये किसी भी अलग जो नॉर्मल यूजुअल वेट लॉस डाइट होते हैं कि आपने पढ़ लिए और आप हाँ जी कर लिए, ऐसा ये डाइट नहीं है। इसको आपको अंडर सुपरविजन एक्सपर्ट डाइटिशियन डॉक्टर्स इसके निगरानी में ही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किस टाइप के पेशेंट्स हैं जिनको आप सूटेबल मानती हैं कीटोजेनिक डाइट के लिए, और किनको आप एक्सक्लूड करती हैं, किन टाइप के पेशेंट्स को कि जिनको आप कीटोजेनिक डाइट नहीं दे सकते? क्योंकि अभी अभी आपने कहा ये थेरापेटिक डाइट है, इसको सिर्फ वेट लॉस पर्पज से नहीं लेना चाहिए, तो क्या आपके एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज हैं वो बताएंगे थोड़ा सा डिटेल में? करेक्ट। अगर आप हमें बताएंगे, अगर आप सोच रहे हो कि एक वेट लॉस के माध्यम से, मतलब अगर मुझे वेट लॉस के लिए लेना है और उसको कीटोजेनिक देना है, बराबर, कीटोजेनिक डाइट, तो मैं हाँ क्या जी क्या देखूंगी कि वो हाँ जी हाँ जी करेक्ट करेक्ट। तो कैसे रहता है पता है, पहले वही मैं बोल रही हूँ कि ये डाइट हर किसी को नहीं दिया जाता। इवन इफ वजन कम करने के लिए आप आ रहे हो, तो भी हम पहले एज अ क्वालिफाइड डाइटिशियन मैं देखूंगी आपका ब्लड पैरामीटर, मतलब जो रक्त हाँ जी तपास हम करते हैं, राइट, हम वो हाँ जी देखेंगे। हाँ जी उसमें हम लोग लेवल्स देखते हैं लिपिड के, रीनल के, लिवर के, किडनी के, रीनल मतलब किडनी, राइट, ये हाँ जी सारे हाँ जी लेवल्स देख के हम फिर डिसाइड करेंगे कि वो जो है पेशेंट पेशेंट है वो सूटेबल है कि नहीं है। सूटेबल है कि ओके नहीं। तो जैसे किडनी का या लिवर का प्रॉब्लम हो किसी को, तो हम ये डाइट बिल्कुल नहीं देते, बिकॉज उसके ओके उस इस डाइट के हाँ साइड इफेक्ट है, अगर ठीक तरह से के आपने अगर ठीक तरह से किया नहीं ये डाइट को। इसीलिए इसमें ओके हमें काफी स्टडी करनी पड़ती है, काफी इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, तो हाँ जी इसीलिए हाँ हम जी पहले सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट। अगर मुझे लगा कि वो उसके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है, तो मैं उसको इस डाइट पे रखूंगी, नहीं तो मैं साफ मना कर दूंगी और वो कहीं दूसरा नॉर्मल यूजुअल वेट लॉस डाइट के लिए भी जा सकते हैं। ओके तो यू मीन टू से कि अगर आपका लिवर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है या आपका किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप कीटोजेनिक डाइट के लिए सूटेबल नहीं हो। करेक्ट। ओके और डायबिटिक लोगों के बारे में आपका क्या विचार है? क्या डायबिटिक लोग वेट लॉस के लिए अगर ओबीज हैं तो कीटोजेनिक डाइट ले सकते हैं कि नहीं? अभी कैसे है डायबिटीज में भी, कामना, दो प्रकार के डायबिटीज है, एक है टाइप वन, टाइप टाइप टू, वन ऑफकोर्स देर आर यस मेनी अदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज, बट अभी हाँ हम जो जी देखते हैं वो है टाइप वन टाइप टू, राइट। तो हाँ जी हाँ अभी देर जी आर रिसर्चेस, बहुत सारे रिसर्चेस किए गए हैं जिसमें बताते हैं कि कीटोजेनिक डाइट वर्क्स इन डायबिटीज, राइट। इवन टाइप यस वन में यस भी किया जाता है, पर यू नो टाइप टू ज्यादा सेफर है देन टाइप वन, और हाँ हाँ वो जी काफी इफेक्टिव भी है, पर अगेन आई वुड लाइक टू से कि उसका ना प्रोटोकॉल काफी अलग है, क्योंकि दवाई के हिसाब से, जैसे आपको पता है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो दवाई पे रहेगा या इंसुलिन हाँ पे रहेगा, हम जी लोग कहते हैं हाँ ओएचए, जी राइट, ओएचए पे रहता है ओके और आपका इंसुलिन पे रहता है, तो हमें वो देख के कीटोजेनिक डाइट प्लान करना रहता है। तो हाँ वो जी हाँ एक जी हाँ इसका इफेक्ट है, रिसर्चर्स बताते हैं, तो मैं कहूंगी यस, कीटोजेनिक डाइट वर्क्स इन डायबिटीज। यस। अच्छा धनश्री, एक और क्वेश्चन जो ज्यादातर लोगों के मन में आता है कि कीटोजेनिक डाइट को कितने लंबे समय तक फॉलो करना चाहिए वेट लॉस के लिए, और कितने लंबा समय लगभग आपको लग जाता है उस एपिलेप्सी की क्योर के लिए? श्योर, तो व्हाट इज द लाइक सेफ टाइम फॉर टू टू फॉलो द कीटोजेनिक डाइट इन केस ऑफ वेट लॉस? अभी ड्यूरेशन जो है ना कामना, हाँ पहले जी आपको ये पता लगना चाहिए कि कीटोजेनिक डाइट अगर आप वेट लॉस के लिए कर रहे हो, राइट, तो उसका जो इफेक्ट है वो लोगों को क्या लगता है, लोग पहले तो आपको ये समझना है लोग क्यों इतना कीटो डाइट इतना ये अभी चर्चे में, चर्चित हो रहा है। हाँ करेक्ट जी हाँ करेक्ट, जी बिकॉज उनको लगता है कि कीटोजेनिक डाइट पे क्विक वेट लॉस होता है, हाँ ओके, जी ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत बड़ा। एग्जैक्ट, उसमें क्विक वेट लॉस नहीं होता, ऑफकोर्स उसमें प्योर फैट लॉस होता है, आपको इंच लॉस दिखेगा, पर हाँ समय जी हाँ जी वो उतना ही लेगा जितना आपकी बॉडी मेटाबोलाइज करने वाली है, मतलब जितना आपकी बॉडी साथ देने वाली है, सो वो हर हाँ इंसान जी के ऊपर डिपेंड रहता है। सो वेट लॉस के लिए आप देखो तो कितना पहले तो वजन आपका है, मतलब कितना कम करना है, 20 किलो, 20 kg, 25 kg, उसके हिसाब से आपको ड्यूरेशन लगेगा। सो जैसे हम ओके प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते इधर बैठ के कि आपका इतना वेट लॉस होने वाला है, 1 महीना आपको करके जब आप देखोगे तब जो वेट लॉस आता है तब हम बोल सकते हो कि ये हम शायद आपका इतना हो सकता है,
पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बीच में प्लेटो भी आता है, प्लेटो में मतलब वेट रुक जाएगा, लोगों को लगता रुक है जाएगा एक जगह, हाँ कि कीटोजेनिक डाइट पे प्लेटो नहीं आ सकता, बट यस प्लेटो उसमें भी आता है, सो उसका भी एक प्रोटोकॉल है कैसे ब्रेक करना है वो प्लेटो, करेक्ट। सो ये तो जैसे आपका दूसरे वेट लॉस पे यू नो जैसे होता है बीच में कम होगा ऊपर नीचे होता रहता है, सेम कीटोजेनिक डाइट पे होगा। ओके सिर्फ क्या एडवांटेज है, हम क्यों जाते हैं इस डाइट के लिए, क्योंकि लोगों ने काफी डाइट यूज किए रहते हैं और अगर वो हाँ जी ना करे जी तो ये लास्ट ऑप्शन, मतलब अभी भी अगर मेरे पास कोई आए तो मैं पहले उनको देखूंगी कि उन्होंने सारे डाइट किए हैं क्या, मतलब मैं भी पहला मेरा ऑप्शन कीटोजेनिक डाइट फॉर वेट लॉस नहीं होगा। ओके यू मीन आप पहले बैलेंस डाइट और लो जीआई डाइट और वेट लॉस डाइट, जो नॉर्मल वेट लॉस डाइट है, पहले आप उसके थ्रू वेट लॉस कराना पसंद करेंगे, देन आपकी सेकेंड प्रायोरिटी होगी कीटोजेनिक डाइट, अगर वो सारी डाइट वो ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं और उनकी बॉडी उन डाइट की यूज टू हो चुकी है तब। करेक्ट, एडेप्ट हो जाती है, सो इसलिए वेट लॉस फर्दर हाँ नहीं जी होता। अडॉप्टेशन, यस ये भी मेरा एक क्वेश्चन था कि आप एडवांटेजेस क्या है आपके कीटो डाइट के, एडवांटेजेस ओवर अदर डाइट्स क्या एडवांटेजेस है मेनली, अभी अगर आप आप क्या समझते एडवांटेजेस पूछ रहे हो, मैं दोनों बताती हूँ। जैसे हाँ एपिलेप्सी जी में, एडवांटेज हाँ एपिलेप्सी में इसके एडवांटेज ऐसे है कि फिट्स कम करने में काफी मदद करता है ये डाइट, और ऊपर से जब पेशेंट, आपको पता है कि हम ये डाइट जो है कीटोजेनिक डाइट एपिलेप्सी पेशेंट फिट्स आने वाले पेशेंट को कब देते हैं, जब उन्होंने दो या तीन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हम जो बोलते हैं, जो दवाई हाँ एपिलेप्सी दवाइयाँ दी जाती हाँ वो हैं ट्राई कर चुके हैं और उससे कुछ काम नहीं बना, इसीलिए हम कीटोजेनिक डाइट ट्राई करते हैं, राइट। और उसके लिए आप फिर हम देखते हैं इसके एडवांटेज, जैसे मैंने कहा कि फिट्स कम हो जाते हैं, फिर दूसरे एडवांटेज है कि दवाई भी कम कर सकते हैं हम लोग कीटोजेनिक डाइट को देखे, तो ये काफी बड़ा एडवांटेज हो जाता है, बिकॉज दवाई के जो असर है साइड इफेक्ट दे आर मेनी, तो इसीलिए क्या होता है पेशेंट प्रेफर करते हैं कीटोजेनिक डाइट। और अगर आप कहो कि एडवांटेज इन वेट लॉस, तो मैं कहूंगी कि काफी इंच लॉस होता है काफी, क्योंकि प्योर फैट लॉस, दूसरा कोई सोर्स ही नहीं है एनर्जी के लिए, जैसे मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट कम दे रहे हैं, तो बॉडी को एक ही सोर्स है फैट, और वो खुद का जो हम आपका जो फैट होता है वही एडिपोज टिश्यू में, यस जो फैट एग्जैक्टली तो इसलिए मींस मसल लॉस के चांसेस कम होते हैं इस डाइट के थ्रू, फैट लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं करेक्ट मसल अगर लॉस प्रॉपरली कैलकुलेट करके दिया जाए तो, करेक्ट प्रॉपरली प्रोटीन कैलकुलेट करके दिया प्रोटीन जाए तो मसल लॉस के चांसेस कम रहते हैं, कम रहता है फैट लॉस हो जाता है, इज तो ये दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। हाँ अच्छा तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको लगता है क्या कि कीटो को सिर्फ प्लेट्यू ब्रेक करने के लिए ही देना चाहिए, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बोला कि आपकी फर्स्ट चॉइस रहती है बैलेंस डाइट के थ्रू वेट लॉस करना, बट देन आप देखते हो कि बॉडी अडॉप्ट हो चुकी है तो आप कीटो देते हो, तो डू यू थिंक कि कीटो को सिर्फ प्लेट्यू ब्रेक करने के लिए दिया जाए या फिर स्टार्टिंग में ही हम आप सबसे पहला जो ट्राई है वो कीटो डाइट से, कीटोजेनिक डाइट से कर सकते हैं वेट लॉस में, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? पहले आप ये सोचो कि सिर्फ ऐसे बीच में कीटोजेनिक डाइट चालू करके रुक जाना, जैसे सिर्फ प्लेटो के लिए ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज ये ना पूरा शरीर का मेटाबॉलिज्म अलग रहता है, बराबर। तो जो जब हम लोग उनको नॉर्मल डाइट से कीटोजेनिक डाइट पे भी लाते हैं, तो भी एक काफी धीरे से ग्रेजुअली, वो भी एक मेथड है, ट्रांजिशन फेड ट्रांजिशन फेज एक ट्रांजिशन काफी फेज धीरे से होता है ताकि उनके बॉडी को कोई शॉक ना लगे, और जब भी वो पेशेंट या क्लाइंट जब भी वेट लॉस करे टारगेट वेट लॉस, तो उसका भी उसके मतलब जो कीटोजेनिक डाइट से उसको जब मुझे नॉर्मल डाइट से लेना है मेंटेनेंस पे, उसका भी शिफ्ट काफी ग्रेजुअल होता है। तो आपको ये समझना है कि ये डाइट ऐसे बीच में शुरू करके बंद करोगे तो आपका बॉडी डेफिनेटली अलग अलग इससे गुजरेगा, मतलब अलग अलग यू नो इट विल अफेक्ट योर बॉडीज मैकेनिज्म। यू कांट इवन चीट अ सिंगल मील इन इन कीटो, नो राइट, आप एक मील भी चीट नहीं कर सकते हो, इट जैसे इज वेरी आपने एक एक मील भी चीट करी तो आपका वो जो कीटोन बॉडीज का बनना है वो सब डिस्टर्ब्ड हो जाएगा पूरा, राइट करेक्ट। तो इसीलिए आपको, इसीलिए जब मैं ये कीटोजेनिक डाइट जब पेशेंट आते हैं मुझे करना है, क्लाइंट आते हैं फॉर वेट लॉस, पहले उनको मन बनाना है, बिकॉज ये डाइट बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब इसको आप ऐसे नहीं ले सकते कि बीच में छोड़ दिया या फिर उन्हें उसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसीलिए काफी जो ऐसे पेशेंट जो काफी साइकोलॉजिकली दे आर रेडी फॉर दिस डाइट, देन दे शुड कम फॉर दिस डाइट।
मतलब आप जब मन बनाओ और अभी के मैं ओके फाइन मैं ये डाइट करने वाला हूँ कुछ, और जैसे इस डाइट में शक्कर बिल्कुल नहीं देते हम लोग बिल्कुल बिल्कुल बराबर, तो वो उसको एग्जैक्टली सोचना है। और जैसे मैंने कहा ड्यूरेशन 4 महीना हो सकता है, 5 मंथ, 10 मंथ, डिपेंड्स आपको कितना वेट लॉस करना है। तो ये कोई एग्जैक्टली 1 महीने में आपको मैजिक नहीं दिखाने वाला है। तो आपको इसीलिए मन बना के यू हैव टू रेडी, गेट रेडी फॉर दिस डाइट, एंड फिर आपको इस डाइट को जाना चाहिए। अच्छा, अब आप इस बात पे भी लगातार जोर देते हैं अपने काउंसलिंग में कि गूगलिंग करके कीटो नहीं जो करना है आपको, किसी क्वालिफाइड डाइटिशियन के अंडर में कीटो करना है, राइट? करेक्ट, अच्छा, एक और चीज जो मेरा मन में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि आपको क्या लगता है कि जैसे आप तो रिसर्च में काम कर चुके हो एपिलेप्सी के, तो आपका क्या मानना है कितना परसेंट इसका सक्सेस रेट है इन केस ऑफ एपिलेप्सी? कीटोजेनिक डाइट का सक्सेस रेट क्या है? करेक्ट। अभी जैसे आपने कहा कि मैंने रिसर्च किया है, तो मैंने डॉक्टर नाथन जो पाइनियर ऑफ कीटोजेनिक डाइट है उनके हाँ साथ जी ये रिसर्च किया गया था, हाँ और जी हाँ वो जी पूरा एपिलेप्सी, कीटोजेनिक डाइट इन एपिलेप्सी देखते हैं, राइट। तो हमने हाँ जी हाँ काफी जी काफी सक्सेस रेट, 100% सीजर कंट्रोल्स है हमारे यहाँ पर। जब एंड दैट टू डॉक्टर नाथन क्लिनिक में आप देखोगे कि बच्चे मेडिकेशन फ्री भी हो जाते हैं, मतलब 100% बिल्कुल सीजर बिल्कुल कंट्रोल के साथ आपको जीरो मेडिकेशन पे लाया जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल दैट्स इतना ग्रेट। ज्यादा पॉजिटिव इसका रिजल्ट है। ओके, सो एक ये सिर्फ एपिलेप्सी के लिए यूजफुल है या अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में भी इसको कीटोजेनिक डाइट को सक्सेसफुली यूज किया जा सकता है? यस, इसको अलग अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज अल्जाइमर, ऑटिज्म, ऐसे काफी इसमें इस्तेमाल किया जाता है और इसका सक्सेस रेट भी है। ओह दैट्स ग्रेट। सो अच्छा, आप मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन जो सब ऑडियंस के मन में आता है वो ये है कि अगर कीटोजेनिक डाइट हमने फॉलो करी, 3-4 महीने फॉलो करी, तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होंगे क्या? उनको उनको हमेशा साइड इफेक्ट्स का भी टेंशन, लाइक मैंने सुना है और बहुत सारे गूगल पे भी लोग सर्च करके और मेरे पास ये क्वेश्चन लेकर आते हैं कि कुछ लोगों को वॉमिटिंग, जी मचलाना या नौशिया होता है जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो लोग फॉलो करना शुरू करते हैं, तो इसका क्या रीजन है? क्या ये सबके साथ होता है ऐसा, नौशिया एंड वॉमिटिंग एक्सेट्रा? अभी ये आप वेट लॉस के लिए पूछ रहे हो, राइट? हाँ जी हाँ जी एग्जैक्टली हाँ, तो एग्जैक्टली अभी मैं ये बताना चाहूंगी कि कीटोजेनिक डाइट अगर आप सही प्रोटोकॉल से करो, जो कि ज्यादातर नहीं कर रहे लोग, आप, मैंने जैसे एग्जैक्टली आपने करेक्टली कहा कि आप गूगल करके कीटोजेनिक डाइट करोगे तो डेफिनेटली यू विल हैव साइड इफेक्ट्स, बिकॉज हम जो है वो सारा क्लिनिकल बैकग्राउंड देख के प्लान करते हैं, राइट। इवन एज अ एग्जैक्टली डाइटिशियन एग्जैक्टली वी टेक सो मच, मतलब इसमें इतना मॉनिटरिंग लगता है पेशेंट का कि हर वीक पूछा जाता है कि कौन कितना कीटोन लेवल्स पे पहुंच गए हो। और जैसे आपने कहा कि कीटोन लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी में, करेक्ट, बिल्कुल 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 तो उसके हिसाब से हम पेशेंट को बताते हैं कि कैसे आगे जाना है। तो जैसे आपने बोला साइड इफेक्ट्स है, अगर आप ठीक तरीके से ना करो तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। और ये जो जी आपने कहा कि नौशिया, वॉमिटिंग और ऐसे सारे हैं, वो लोगों को पता नहीं चलता, बट ये एक्चुअली हाई कीटोसिस होता है, उनके शरीर में एग्जैक्टली ज्यादा एग्जैक्टली कीटोसिस कीटोन बने। करेक्ट, बॉडीज ज्यादा बनती है। अभी वो क्योंकि कीटोन्स चेक ही नहीं करते, ये जो डाइट ऐसे ही गूगल पे किया जाता है, या कोई हम कहते हैं जो डाइटिशियन नहीं है और वो कीटोजेनिक डाइट दे रहे हो जिनको बिल्कुल साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, तो मैं इस माध्यम से बिल्कुल बताना चाहूंगी कि आप चेक करो पहले वो डाइटिशियन क्वालिफाइड है क्या कीटोजेनिक डाइट के लिए, बिकॉज ये डाइट काफी डेंजरस हो सकता है अगर आप ऐसे ही फॉलो करो। तो जैसे मैंने कहा कि ये सारे हाई कीटोसिस, फिर हम वैसे पेशेंट को उधर तक जाने ही नहीं देते, तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि करेक्ट आपकी बहुत कैलकुलेटेड रहती है, तो करेक्ट आपके पास अगर कोई आएगा तो वो कीटो एसिडोसिस वाली सिचुएशन में या कीटोसिस वाली सिचुएशन में जाएगा ही नहीं, ज्यादा कीटोसिस वाली के करेक्ट ऊपर चले जाए। अच्छा, करेक्ट दूसरा ये उनको आप ये भी सिखाते होंगे कि वो घर पे यूरिन में कैसे कीटोन बॉडीज टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एवरी मील काउंट्स, करेक्ट तो आप ये सब भी उनको सिखाते होंगे कि यस मतलब एक रहता है ना कि एवरी मील के बाद या फिर पर डे आप कम से कम यूरिन में कीटोन बॉडीज टेस्ट करें घर पे करना, किट के साथ। एग्जैक्टली वो भी सो बता। धनश्री, हाँ आपने आज तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, बट फिर भी लोगों के मन में डेफिनेटली कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे,
तो मैं ऑडियंसिस को सबको सब्सक्राइबर्स को और सबको बताना चाहूंगी कि 19th को मेरे इंस्टाग्राम पे धनश्री जी फिर से शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में लाइव आ रहे हैं और उस टाइम पे आप डायरेक्टली आपके जो क्वेश्चंस है वो वहां पे लिखिएगा और अगर आप यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में मेरे यूट्यूब पे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे तो जो मैं नहीं पूछ पाई हूँ नहीं कवर कर पाई हूँ तो वो हम इंस्टा पे जरूर कवर करेंगे। और धनश्री आपने मुझे इतना टाइम दिया और इतने अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर किया, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच इसके लिए, थैंक यू सो मच धनश्री। थैंक यू सो मच कामना कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि हम कीटोजेनिक डाइट के बारे में काफी अवेयरनेस स्प्रेड करें और राइट इन्फॉर्मेशन दे, तो एक्चुअली थैंक यू धनश्री। एंड करने से पहले एक और चीज, आप डाइटिशियंस को सिखाते भी हैं तो आप उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से? जरूर भाई, इसीलिए ऐसी कैसे है कि आपको जैसे पता है कि आजकल कीटोजेनिक डाइट ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है या फिर लोग गूगल करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम हमारे क्वालिफाइड डाइटिशियन को ही ट्रेन करें जो सही प्रोटोकॉल से, ताकि ये जो साइड इफेक्ट्स और लोग कितना कीटोजेनिक डाइट के बारे में थोड़ा बात करते हैं, उनको स्ट्रेस आता है व्हेन दे नो के ओके कीटो पे जाना है तो क्या, सो आपको ये पता लगने के लिए कैसे करना है और कितना उसमें मेहनत लगती है, तो मैं आई हैव स्टार्टेड कोर्स कीटोजेनिक डाइट एंड वेट लॉस एंड एपिलेप्सी, तो डाइटिशियन के लिए है, क्वालिफाइड डाइटिशियन के लिए और वैसे है मतलब ताकि उनको भी पता चले कि कैसा करना है और अवेयरनेस स्प्रेड हो। Oh, that's great. तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं धनश्री का जीमेल अकाउंट और उनका इंस्टा हैंडल और उनका फेसबुक का लिंक भी शेयर करूंगी और मैं अपना इंस्टा हैंडल भी शेयर करूंगी ताकि आप 19 का सेशन ज्वाइन करें और अगर आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है या आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्वालिफाइड डाइटिशियन है तो धनश्री को कनेक्ट करने के लिए आप जीमेल की जो लिंक उनकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी उस पर आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच धनश्री फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये थैंक यू सो मच अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।